इस क्वेश्चन में आपको d बाई डी एक्स निकालना है, जो भी फंक्शन दिया गया है cos x क्यूब साइन स्क्वायर ऑफ x की पावर 5, ठीक है। तो आप इसको, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक cos है एक साइन है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम लोग। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस क्या होता है, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ एक्स क्यूब। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, दो हमें डिफ्रेंसिएशन ऑपरेट करने हैं, एक यहां पे ये दिया गया है और वहां पे कॉस एक्स क्यूब है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा जब भी आपको टेंथ क्लास में बताया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, या यूं कहें साइन की पावर एन का मतलब होता है साइन थीटा की पावर एन। तो ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ये होल का स्क्वायर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहां जो फंक्शन का सीक्वेंस है, जब आप एक्स इनपुट दोगे तो सबसे पहले क्या ऑपरेट होगा आपका, एक्स की पावर 5 ऑपरेट होगा, फिर क्या होगा आपके पास, मतलब पावर फंक्शन 5 ऑपरेट होगा, फिर क्या ऑपरेट होगा आपका, जो आएगा साइन ऑपरेट होगा, साइन के बाद क्या ऑपरेट होगा आपका, साइन के बाद आपका ऑपरेट होगा स्क्वायर। इसका मतलब कि स्क्वायर सबसे आउटर फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद साइन है, उसके बाद एक्स की पावर 5 है, फिर आपका आखिरी क्या है एक्स, मतलब ये आखिरी फंक्शन है जो एक्स का फंक्शन है, बाकी सब फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पे चेन रूल लगेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब आप स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, डी बाई डी ऑफ एनी थिंग का स्क्वायर इसके इसी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा आपका एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो यहां जो भी रहे आप सिंपल लगा दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस 1, अंदर क्या है साइन ऑफ एक्स की पावर 5 है, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। खैर ये डिफ्रेंशिएट हो गया, नाउ अब साइन डिफ्रेंशिएट होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो दैट इज कॉस। अब इसके अंदर जो भी है वो लिख दीजिए, साइन के अंदर क्या है आपका एक्स की पावर 5 है, ठीक है, फिर क्या डिफ्रेंशिएट होगा पावर 5, पावर 5 का क्या हो जाएगा 5, और जो भी अंदर है 5 माइनस 1, अंदर है कौन x है, तो ये 5x की पावर 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा के हम कायदे से 4 लिख देते हैं, ठीक, तो दैट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ द चेन, ठीक है। ये चेन अगर हम देखें तो ये चेन की आखिरी कड़ी थी जो डिफ्रेंशिएट हुई, और पहली कड़ी ये थी, तो ये फाइनल डिफ्रेंशिएशन यहां तक पहुंच गया आपका इसका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इधर, यहां भी चेन रूल लगाना है, खैर यहां तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब यहां चेन रूल लगाना है, तो यहां सिक्वेंस क्या है, एक्स जब इनपुट दोगे आप तो एक्स क्यूब ऑपरेट होगा, ठीक है, क्यूब ऑपरेट होगा, फिर क्या ऑपरेट होगा आपका कॉस ऑपरेट होगा, तो सबसे आउटर फंक्शन आपका क्या है कॉस है, तो कॉस को डिफ्रेंशिएट करिए, कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन, और अंदर जो भी हो लिख दीजिए क्या है एक्स क्यूब है, ये इनटू में रहेगा, फिर क्या ऑपरेट होगा क्यूब ऑपरेट होगा, क्यूब क्या क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, अंदर क्या है आपका एक्स है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज 3x स्क्वायर। अब ये माइनस जो है अगले स्टेप में यहां पे आ जाएगा, ठीक है, तो इस माइनस को यहां से हटा के यहां आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, और थोड़ा और अरेंज कर लीजिए इसको, तो क्या लिखोगे 5 2 5 2 जा 10, और x की पावर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर cos ऑफ x क्यूब देन sin ऑफ x टू द पावर 5 cos ऑफ x की पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर sin स्क्वायर x की पावर 5
एंड साइन ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज योर फाइनल आंसर।